पीएम मोदी ने देश में लॉन्च की ई रूपी सेवा, कैशलेस पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। भारत में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा दी गई वैक्सीन की डोज, करीब 11 करोड़ लोगों को ही लगी हैं दोनों डोज। सागर धनखड़ मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने फाइल की 170 पेज की चार्जशीट, सुशील कुमार को बनाया मुख्य आरोपी। सावन के दूसरे सोमवार की धूम जारी, शिवालयों में लगा भक्तों का तांता, दर्शन के लिए भारी तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भोपाल में सीएम ने आयोजित की लॉ एंड ऑर्डर की बैठक, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन पर हुई चर्चा। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। बेटमा में श्रावण के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिला। वहीं शिवालयों का आकर्षक श्रृंगार कर मंदिरों को भी सजाया गया है। बड़ी संख्या में भक्तजन शिवालयों में पहुंचकर बेलपत्र और जल चढ़ा रहे हैं। बता दें कि पुलिस थाना स्थित बटकेश्वर महादेव, बदीपुरा बालाजी, रेवाकुंड, शिव मंदिर आदि मंदिरों पर बड़ी संख्या में भक्तजनों ने शिवालयों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं बद्रीपुरा स्थित बालाजी मंदिर पर हवन भी किया गया। साथ ही पुजारी अनिल दुबे के द्वारा भक्तों को श्रावण के दूसरे सोमवार का महत्व भी बताया गया। दूसरा सोमवार है, सवेरे से ही भक्तों की यहाँ पर काफी अच्छी भीड़ है। बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। आज के सोमवार का थोड़ा महत्व, विशेष महत्व है कि भगवान शिव को मात्र जल चढ़ाने से यम की तृष्णा से मनुष्य दूर हो जाता है, यम लोक की भव बाधाओं से दूर हो जाता है और वह वैकुंठ पद का गामी होता है। इतनी बड़ी महिमा आज के सोमवार की। यह सोमवार भगवान शिव को दूध का जल चढ़ाने, गाय का दूध का जल चढ़ाने से गौलोक की प्राप्ति होती। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में लगातार बैठकें हो रही हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक बुलाई है। बैठक में पीएस मुख्यमंत्री, एडीजी इंट, पीएस गृह, ओएसडी मुख्यमंत्री, सीपीआर डीपीआर भी मौजूद रहे। दूसरे राज्यों से आ रहे अवैध शराब की रोकथाम के लिए संबंधित राज्यों से मध्य प्रदेश सरकार बात करेगी। वहीं डिस्टरी नियम विरुद्ध काम करेगी तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही बैठक में ऑपरेशन मुस्कान पर भी चर्चा की गई। डीजीपी ने बरामद होने वाली बेटियों की संख्या के बारे में सीएम को जानकारी दी। बता दें कि 15 जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन मुस्कान में अब तक 938 बच्चे रिकवर किए गए हैं, जिसमें 117 बेटे और शेष बेटियां शामिल हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने से बच्चे कैसे बचे और गेम कंपनियों पर कैसे कार्यवाही की जाए, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं भोपाल के शिव मंदिरों में आज सुबह से ही सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। शहर के गोविंदपुरा में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। बता दें कि हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन के सभी सोमवार का अपना एक महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पांचवा महीना सावन कहलाता है। साल सावन 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार होने वाले हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता देखने को मिला। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर श्रावण मास के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आया। पशुपतिनाथ मंदिर में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। वहीं हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के मंत्रों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। बता दें कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदसौर के अष्टमुखी प्रतिमा पूरे विश्व में दुर्लभ है, जो केवल मंदसौर में ही मौजूद है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जहाँ एक ओर भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करते हैं, वहीं भगवान के वाहन नंदी के कान में कुछ कहकर अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान
किन सवारी नंदी के कान में अपने मन की इच्छाएं कहने से भगवान भोलेनाथ जल्द ही मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की और कोरोना हालातों पर अपनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना इस वक्त काबू में आ चुका है। प्रदेश में कुल 17 मामले सामने आए हैं, वहीं 131 एक्टिव केस फिलहाल बचे हैं। इसी को लेकर प्रदेश में फिलहाल उन्होंने बताया कि डेली 70,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं आज कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़ी बैठक की गई उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। वहीं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, चलिए आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, अभी कुल प्रदेश में 17 प्रकरण कोविड के हैं, जो कल टेस्ट लेने के बाद 17 प्रकरण ठीक होकर अपने घरों की ओर 13 लोग गए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल न पाए, और यही कारण है कि कल भी 69,322 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए। संक्रमण दर अभी भी 0.024 बनी हुई है और रिकवरी रेट हमारी पूर्व की भाग 98.6 अभी भी रिकवरी रेट बनी हुई। पूरी जागरूकता के साथ में प्रदेश भर में ये कहा गया है कि टेस्टों में कमी ना हो और कोविड का कोई भी पेशेंट मिले। वहीं अरुण यादव के मैं सिंधिया नहीं हूं वाले ट्वीट पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव को बीजेपी में बुलाया जाए। अरुण यादव की बीजेपी को आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के सभी स्थानों पर हमारे पास नेतृत्व है, खंडवा में अनेक नेता हमारे पास है। वहीं अरुण यादव को बीजेपी में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ ही उन्होंने बारिश के कहर और स्कूलों को खोलने जैसे मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो चलिए आपको सुनाते हैं मंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हमारे पास पूरे प्रदेश में सब स्थानों पर नेतृत्व है, और चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक नेता हमारे वहां पर हैं। इसलिए अरुण यादव जी को भारतीय जनता पार्टी में बात करने का या लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये उनकी अपनी अंतर्कलह है। अगर कांग्रेस का वो कह रहे हैं कि खून है, तो फिर बैठक में क्यों नहीं गए जब कांग्रेस की बैठक थी? तो उस बैठक में वो नहीं गए, उनके भाई नहीं गए, तो कांग्रेस के लोगों ने ही उनके खिलाफ बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थोड़ी बोला। सज्जन सिंह वर्मा जी ने उनके खिलाफ बोला, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। इसको बीच में भारतीय जनता पार्टी को लाने का कोई औचित्य नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी को कोई उनकी आवश्यकता है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने इंदौर विजयनगर स्थित कार्यालय से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मंत्री विश्वास सारंग ने महंगाई के लिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार नहीं ठहराया, ये राहत की बात है। मंत्री मानसिक तौर पर अस्थिर होकर इस तरीके की बयानबाजी करके जनता के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के बयान बेहद निंदनीय है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, चिकित्सा मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, और वो ये बोल रहे हैं कि महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ज्ञानवान मंत्रियां। अच्छा है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भगवान श्री राम किराना का सामान महंगा होने के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने रावण से युद्ध करा था। उसके आगे भी वो जा सकते थे, ये भी बोल सकते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया, इससे पेट्रोल महंगा हो गया। ऐसे मंत्री, ऐसे विचार वाले लोग मध्य प्रदेश को कहां ले जाएंगे, ये तो बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है। इसका तो कोई शब्दों में जवाब ही नहीं है। दो लाइन इनके लिए बोल सकते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही उल्लू काफी था,
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में यूथ कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर केंद्र व प्रदेश सरकार का विरोध कर रही है। यूथ कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र 5 पर वाहन शव यात्रा निकाली। दरअसल पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम के प्रतीक के रूप में कार्यकर्ताओं को मुखौटा पहनाकर नोटों का हार पहनाया गया। इसी के साथ वाहन की अर्थी निकालकर उसकी श्रद्धांजलि भी दी गई। महंगाई के विरोध में हमने पहला कार्यक्रम कराया है। आगामी टाइम में हम यूथ कांग्रेस की तरफ से हर पूरे विधानसभा 5 इंदौर शहर में निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे। जिस बड़े हुए दाम से जनता परेशान है, मोदी सरकार से नाराज है, लेकिन ऊपर की सोई हुई सरकार को जगाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। यदि सरकार नहीं जागती है तो आगे जाके हम हर फिर। जावरा में पंचायत परिसर के अंदर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। शासन के खिलाफ कलमबंद हड़ताल इस वक्त की जा रही है। आज हड़ताल का 12वां दिन है। लोगों का कहना है कि ये शासन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। शासन सिर्फ अपने फायदे के लिए इनकी सेवाओं का उपयोग कर रहा है। बदले में शासकीय कर्मचारियों की तरह कोई भी सुविधा इन्हें नहीं मुहैया कराई जा रही है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने पूरे कोरोना काल में काम किया, लेकिन उनके लिए शासन की कोई भी ठोस योजना नहीं है। शासकीय कर्मचारियों की तरह 7वां और 8वां वेतनमान की भी आर्थिक योजना का लाभ मिला। इन सब मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा आंस वक्त आंदोलन पर है। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक यह आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। 50,000 दिया जाए, सम्मानजनक दिया जाए, जितना काम ले रही है सरकार। शायद एक ग्राम रोजगार सहायक सबसे अधिक कार्य करने वाला प्राणी है मेरे नज़र में, मेरे दृष्टिकोण में, क्योंकि ये नीचे से चलते हैं तब ऊपर तक सारी योजनाएं आती हैं। इसी प्रकार हमारे सचिव साथी हैं, इनका भी हमारा बहुत योगदान है। ग्रामीण विकास विभाग में इनका काम है निर्माण विकास सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कराना, इनकी सेवाएं शर्त हैं। 7वां वेतनमान की इनकी मांग है, नियुक्ति दिनांक से इनको गर्ना। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम हड़ताल पर हैं। आज का 12वां दिन है हमारा और कुल मिलाकर 17 संगठन मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठन मिलकर इस मोर्चे में हम हड़ताल पर हैं और सबकी अलग अलग मांगे हैं जो शासन को हमने ज्ञापन के रूप में दे रखी है, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक हमारी बात नहीं मानी है। तो जब तक शासन हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम हड़ताल। कोरोना महामारी के दौर में समूचे इंदौर जिले को लीड करने वाले दफ्तर में अब अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने में डर लग रहा है। हालांकि ये डर किसी वायरस के फैल जाने का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के जिस भवन में ये सभी काम करते हैं उस भवन के हाल इस वक्त बेहाल है। पिछले साल इस भवन की लेखा शाखा में आग लग गई थी और उसके पहले भी भवन के हालात काफी ज्यादा खराब थे। अब आलम यह है कि CMHO के बैठने के स्थान पर बारिश का पानी इस वक्त टपक रहा है। इस मामले में कर्मचारियों ने निर्माण के लिए कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिला। क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर ये भवन तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये पूरा राइट ऑफ टाइप का कह सकते, पर पुराना भवन है, इसमें जो रिनो तो हो चुका था, ये तो बैठने लायक कंडीशन थी, मगर पिछले अभी मई में हमारे यहाँ पे ऊपर के लेखा शाखा में और स्थापना में थोड़ी आग लग गई थी। उसकी भी हमने फिर ऊपर शासन को इसका दे दिया था, प्रशासन को लिखित में भी दे चुके हैं, PWD को भी लिख के दे चुके हैं। तो अगर कहीं हमारी बैठने की व्यवस्था होती, क्योंकि पानी ऊपर से चूभ रहा है तो मेरे ऑफिस में भी थोड़ा पानी का टपकने का रहा है। सिलवानी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े संविदा और अन्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जनपद परिसर में के मैदान में डटे हुए हैं। आज हड़ताल का 13वां दिन है और 13वें दिन भी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हम इसी प्रकार से हड़ताल जारी रखेंगे और हमारा आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त बैनर तले अपनी सभी मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल इस वक्त जारी है। सरकार ने अभी तक हमारी मांगों का कोई भी विचार इस पर नहीं किया है, इसलिए हम और उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।
हम लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं हो रही शासन के खिलाफ में हम लोग सब संयुक्त मोर्चा के साथियों का बहुत ज्यादा आक्रोश है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो आगे हम अभी यूं ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे और अभी तो ये अंगड़ाई आगे और लड़ाई होगी। अभी तो जल सत्याग्रह की तैयारी चल रही है हमारी। मामा शिवराज सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारी 2 लाख हो सकती है तनख्वाह, तो हम 9,000 रुपए में क्या करेंगे? हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे? मंदसौर में पहली बारिश की कमी और फसलों में फैल रही बीमारी से किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कम पानी की वजह से सोयाबीन की फसल इस वक्त बर्बाद हो गई है। जिले के अधिकांश इलाकों में सोयाबीन की फसल पर पीला मोजका बीमारी का साया है। गौरतलब है कि इस बार मॉनसून काफी देरी से आया, ऐसे में पहले कम हुई बारिश से फसल पूरी तरह से सूख गई और फिर जब बारिश हुई तो फसलों को कुछ राहत मिली, लेकिन अब पीला मोजक नाम की बीमारी ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि कीटनाशक दवाइयों का वह छिड़काव कर रहे हैं, बावजूद इसके फसलों में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। इधर कृषि दवा विक्रेता की माने तो 5% से अधिक नुकसान होने पर कीटनाशक दवा का कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, इस साल तो सोयाबीन की काफ़ी हालत ख़राब है। एक तो बारिश की वजह से भी फसल ख़राब हुई किसानों की, और अभी एक रोग आया है नया, सोयाबीन अपने आप पीली पड़ रही है। बहुत सी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं लोग, किसान जाके दवाई की दुकान से ला के खरीद के छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ कवर नहीं हो रही है। इस बार तो सोयाबीन की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। जो ऊँचे के खेत हैं उनमें ज़्यादा ख़राब है, और अब जो बारिश हुई है इससे और दवाई से। इंदौर शहर में नकली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा अब तक 5 हो गया है। इंदौर आबकारी पुलिस ने इस मामले में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त की गई शराब के सैंपल टेस्ट लैब भेजे जा रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है क्या यह वही जहरीली और नकली शराब है या किसी अन्य जिले से लाकर शराब की तस्करी की जा रही है। आबकारी पुलिस ने हाल ही में खातीवाला टैंक स्थित हेमंत शर्मा नाम के युवक पर कार्यवाही की और वहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। इसके अलावा लगातार आबकारी पुलिस शहर में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई कर रही है। वो अभी हम इस सबकी सैंपल लेके उसकी FSL जांच कराएंगे और देखेंगे कि इनमें से कोई जहरीली या इस प्रकार अवमानक स्तर की कोई शराब तो नहीं है। नहीं, ये पैक्ड माल हमको मिला है और जिसको हमने अभी किया है, हम कोशिश कर रहे हैं इसके बैक ट्रैक करके उसके ओरिजिनल जहाँ से इन्होंने प्रोक्योर किया था उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसको। धार जिले के धर्मपुरी खलघाट मनावर मार्ग पर नकली पुलिस बनकर आने जाने वाले वाहनों को डरा धमका कर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां 3 आरोपियों को धर्मपुरी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि देर रात एक पिकअप वाहन देवास से डही जा रहा था। इस दौरान आरोपियों ने अपनी कार से खलघाट चौराहे से पिकअप वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया और सुनसान स्थान देखकर वाहन को रोककर वाहन चालक से गाली गलौज की और डरा धमका कर अवैध वसूली करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की, जिसके बाद नकली पुलिस बनकर लूट करने वालों का खुलासा हो गया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ में इन्होंने ऑटो गाड़ी लेके खलघाट से हमारे पीछे लगे, यहाँ धर्मपुर रोकने की कोशिश करी, हम आगे निकल गए, फिर पगारा फाटे पे आके इन्होंने हमारी गाड़ी ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगा दी। उसके बाद में हम पुलिस वाले हैं ऐसा करके हमको दरा धमकाया, बोला आपके बाद में कट पीस का माल है, गाय है, हमने बोला हमारे पालतू गाय है। उसके बाद में इन्होंने माना नहीं, फिर पुलिस की गाड़ी इनको पकड़ी यहाँ ले और हमारे मार ठोक करी। मंदसौर में जहरीली शराब के मामले में SP ने कार्रवाई की है। SP ने माना है कि शराब कांड में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति की भी मौत दर्ज की गई है, जिसमें उसके परिजनों का कहना है कि उसने भी शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस मामले में SP का कहना है कि पोस्टमार्टम फिलहाल करवाया गया है, रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे शराब कांड के 11 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी फरार चल रहे लोगों की तलाश जारी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन करें। इसी कड़ी में रतलाम में कोरोना से बचने के लिए पहली मास्क की दीवार लगाई गई है, मतलब ये कि एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर मास्क को टांगा गया है और जिन लोगों को भी मास्क की जरूरत है वो मास्क यहाँ से निःशुल्क में लेकर जा सकते हैं। बता दें कि मानव सेवा समिति रक्त केंद्रों पर मास्क की दीवार की शुरुआत की गई है। मानव सेवा समिति के लोगों का कहना है कि आगे भी इसी तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद जारी रहेगी।
धार के डेहरी रोड के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, लेकिन गरिमत रही कि बिल्कुल भी नुकसान इस हादसे से नहीं हुआ। कोई भी जनहानि दर्ज नहीं की गई है। गाड़ी में सवार चालक की राहगीरों ने मदद की, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। सरदार देसाई में और अर्जुन चौहान हम लोग तीन लोग गए थे कुक्षी, वहाँ से वापस आए और वापस आए बाग तो इसके पास गाड़ी का साधन नहीं था, तो मैं डेहरी यहाँ पर इसको सरदार देसाई को छोड़ने आया था, तो यहाँ से वापस पलटा और मैं ये जीनिंग है यहाँ नया पेट्रोल पंप के पास में, यहाँ पर जो वापस पलटा और ये टर्न में अचानक से ड्राइविंग के सामने सीट के सामने जो स्टिंग के यहाँ से आग निकली, एकदम से भपका निकला और मैं जैसे फिर भपका निकला वैसे गाड़ी का जो गाड़ी को खड़ी करी और मैं गाड़ी को छोड़कर बाहर हुआ और आग। रीवा में सिम वेरिफिकेशन का झांसा देकर एक शातिर ने लाखों रुपए उड़ा लिए। शातिर के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने उसे झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों के गैंग का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए केस दर्ज किया। फिलहाल शातिर के पास से गाड़ी और मोबाइल को बरामद किया गया है और उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। पूछताछ करने पर फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था कि उसका कहना था कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप एक वेरिफिकेशन कर दें। जैसे उसने वेरिफिकेशन किया सिम का, उसके मोबाइल में लगातार मैसेज आए और 15 बार में उसके खाते से करीब 6,423 रुपये का विड्रॉल हो गया। उसकी रिपोर्ट पर थाना समान के द्वारा तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। उसके जो स्कॉर्पियो का मालिक है और मोबाइल के धारक हैं, सिम के धारक हैं, उससे कनेक्शन के आधार पर ये आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपी को जो लाया गया उसके पूछताछ के उसके मेमो के आधार पर अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।